मुलाकात करेंगे और ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर के साथ भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रिया के चांसलर नेहमर भारत और ऑस्ट्रिया के उद्योगपतियों को भी यहां संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी वियना में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी संवाद करेंगे। ऑस्ट्रिया में ऑस्ट्रिया भारत का एक मजबूत और विश्वसनीय साझेदार है और दोनों ही देश लोकतंत्र और बहुलवाद के आदर्शों को साझा करते हैं। और अधिकतर जो प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं वो कल होने हैं। आज प्रधानमंत्री रूस की यात्रा खत्म करने के बाद वियना ऑस्ट्रिया पहुंच गए हैं। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री का काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी सफल रूस का दौरा था, जिसे खत्म करने के बाद अब प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया पहुँच गए हैं। और प्रधानमंत्री की अगर ऑस्ट्रिया यात्रा की बात करें तो 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया की ये पहली यात्रा है। और अपनी इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति और ऑस्ट्रिया के चांसलर से बातचीत करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ भारत और ऑस्ट्रिया के जो उद्योगपति हैं उनसे भी वहाँ पर उनको भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के साथ उस मौके पर ऑस्ट्रिया के चांसलर भी मौजूद होंगे, जब भारत और ऑस्ट्रिया के उद्योगपतियों को प्रधानमंत्री वहां पर संबोधित करेंगे। अरुण हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे संवाददाता। अरुण, प्रधानमंत्री रूस की सफल यात्रा को खत्म करने के बाद अब ऑस्ट्रिया पहुंच गए हैं। हमारे दर्शकों को बताइए कितना महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का ये दौरा है ऑस्ट्रिया का। देखिए, यूरोप की जो देश है ऑस्ट्रिया काफी महत्वपूर्ण साबित होगा, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चार दशक के बाद आप कह सकते कोई प्रधानमंत्री एक तरह से ऑस्ट्रिया के दौरे पर यहाँ पर आया है। दूसरा प्रोमिनेंट पॉइंट यहाँ पर निकल करके ये आता है कि इस दौरे के अंदर कई सारे हाईलाइट्स होंगे, जिसमें कि बिजनेस, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, हाई टेक्नोलॉजी जो बिजनेस है एंड स्टार्टअप, ये कुछ प्रोमिनेंट एजेंडा पर रहने जा रहा है। हम इस बात को जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एंगेजमेंट जो है कि चांसलर हैं और प्रेसिडेंट है उनके साथ रहेगी, लेकिन इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ की जो बिजनेस कम्युनिटी है उनके साथ भी एंगेज करेंगे, जो टॉप इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके साथ भी एंगेज करेंगे और फोकस इस बात पर रहेगा कि कैसे पीपल टू पीपल कनेक्ट को बढ़ावा दिया सके। ऑस्ट्रिया एक तरह से जिसके पास एक तरह से एक्सपर्टीज है हाई एंड टेक्नोलॉजीज की, कटिंग एज टेक्नोलॉजी की मल्टीपल क्षेत्र के अंदर, जिसमें भी ग्रीन कैपेसिटीज भी आता है, ग्रीन एनर्जी भी आता है, तो वो भारत को कैसे बड़े मार्केट के तौर पर भी देखता है, कैसे एक बड़े मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट को हाई एंड टेक्नोलॉजी जो प्रोडक्ट हैं उसके उसको डेवलपमेंट, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के भारत के साथ कोलैबोरेट किया जा सके। वहीं भारत का फोकस भी इस बात पर रहेगा क्योंकि कई बड़े एम्बिशियस टारगेट्स लेकर के चल रहे हैं भारत, जैसे कि 2070 तक भारत कार्बन न्यूट्रल होना चाहता है, तो ऐसे ही कई ग्रीन जो एनर्जी से रिलेटेड जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है उसको लेकर कैसे आगे बढ़ा जा सके, साथ ही स्टार्टअप को कैसे बूस्ट किया जा सके। और हम जानते हैं कि मोबिलिटी पार्टनरशिप्स तो भारत और ऑस्ट्रिया के बीच में ऑलरेडी है, कैसे ह्यूमन रिसोर्सेज और जो स्किल्ड मैन पावर है उनके बीच में उनके लिए कैसे सहूलियत भरा इकोसिस्टम बनाया जा सके कि वो भारत से ऑस्ट्रिया आ सके, उस बात पर भी फोकस रहता हुआ दिखाई देगा। कुल मिलाकर के अगर कुछ बड़े कॉन्ट्रोल्स की आप बात करें इस विजिट की, तो जाहिर सी बात है पीपल टू पीपल कनेक्ट को बढ़ावा देना एंड ऑफ कोर्स कैसे बिजनेस का इसको इम्प्रूव करना, खासतौर पर जो न्यू एंड टेक्नोलॉजीज हैं, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हैं उस क्षेत्र के अंदर, ग्रीन एनर्जी से जुड़ी टेक्नोलॉजी के अंदर, उस बात पर फोकस रहता हुआ दिखाई देगा चंद्रशेखर। अरुण, साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे, अब जब प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँच चुके हैं तो वहाँ के समय के अनुसार आज क्या कुछ कार्यक्रम हैं और कल क्या कुछ कार्यक्रम होने हैं? देखिए, तो दो दिनों को हम लोग ऐसे बांट करके देख सकते हैं कि अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब होटल पहुँचेंगे तो फिर तो उनका स्वागत भी होगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो ये जो चांसलर हैं उनके साथ में एंगेज करेंगे, उनके साथ एक जो प्राइवेट डिनर है वो होगा। कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट रहने जा रहा है क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की बायलैटरल मीटिंग रहेगी ऑफकोर्स चांसलर के साथ में भी और जो प्रेसिडेंट ऑफ ऑस्ट्रिया उनके साथ में भी, साथ ही साथ जो बिजनेस कम्युनिटी है प्राइम मिनिस्टर मोदी जो बिजनेस फोरम है जो कई सारे उद्योग जगत है यहाँ के उनके साथ में एंगेज करेंगे। हम इस बात को जानते हैं कि कई सारी भारतीय कंपनियां हैं वो भी ऑस्ट्रिया के अंदर एस्टैब्लिश्ड है और कई बड़ी ऑस्ट्रिया कंपनीज हैं, ऑस्ट्रियन कंपनीज हैं वो भी भारत के अंदर एस्टैब्लिश हैं,
प्राइम मिनिस्टर मोदी बिजनेस फोरम है उसको एक एड्रेस करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और नो डाउट जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे भी बातचीत होगी और साथ ही साथ जो इंडियन डायस्पोरा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनको भी संबोधित करेंगे, उनसे भी इंटरेक्ट करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इंडियन कम्युनिटी पीपल टू पीपल कनेक्ट इसको बढ़ावा देना और जो बिजनेस